दोनों माता जी के दर्शन करने आए थे एक्टिवा से, तो हम यहाँ कितने बजे आए थे आप? हम 4 या 5 के बीच की बात है, मतलब 4:30-5 बजे की बात हुई। कहाँ से आए आप लोग दर्शन करने? हम उज्जैन से। फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, तो हम चाय पी रहे थे, तो 3 पुलिस वाले आए। कार थी उनके पास में, कार का नाम नहीं पता मुझे, हाँ ब्लैक कलर की कार थी। 3 पुलिस वाले आए, तो हम दोनों को बोला कि तुम दोनों कहाँ से आए, तो मैंने बोला हम उज्जैन से आए, तो बोला चलो बैठो गाड़ी में। तो हम दोनों घबरा गए, डर गए हम दोनों। तो फिर क्या बोलते हैं, हम दोनों को कार में बिठाया और मेरी एक्टिवा की चाबी भी छीन ली उनने। फिर एक्टिवा की चाबी छीन के और हमको यहाँ ये छोटा थाने नहीं लाया, ये छोटा सा कोई सा कोई चौकी थी वहाँ पे लेके आए। फिर हमसे बोलते 2 लाख रुपए दो, बोले हमको। फिर कि 2 लाख रुपए, मैं डर गई, मैंने बोला कि 2 लाख रुपए, बोले तुम क्या बोलते लुटेरी दुल्हन का काम करती हो, ये वो। हमसे गंदी गंदी बातें करने लगे और बोले ये, और ये मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी, इसको बोलते मेरे साथ बिस्तर गर्म कर, ये कर, रवि परिहार ने बोला ऐसा। और कौन थे साथ में पुलिस वाले? मैं उन दोनों का नाम नहीं जानती हूँ। उसके बाद अर्जुन था, अर्जुन पांडे था और अर्जुन था। उसके बाद? उसके बाद फिर ना हम, फिर मैंने मेरी बहन को फोन लगाया, मेरे हस्बैंड को फोन लगाया कि हमको ना यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो 1 लाख रुपए में तोड़बट्टा करा उनने, फिर 1 लाख रुपए में तोड़बट्टा करा। तो फिर मेरी बहन और उसका हस्बैंड, मेरी बुआ वगैरह सब आई। आप बता रहे हो कि हम 5 बजे देवास आए, रात के 12:30 बज रहे हैं, इतनी देर तक कहाँ घुमाते रहे आपको? हमको पूरे देवास में घुमा रहे थे वो कार से। किसने घुमाया था? वो रवि परिहार। रवि भाई को कैसे जानते हो आप? हम नहीं जानते उनको, तो हम तो किसी को भी नहीं जानते। आप नाम जान रहे हो? नाम बता रहे, उनके नेम प्लेट पे लिखा है ना नाम। अच्छा, रवि परिहार लिखा है नेम प्लेट पे। तो क्या, किस लिए मांगे थे पैसे आपसे उन्होंने? बोले कि तुम बोले लुटेरी दुल्हन का काम करती हो, हमको ऐसा बोल रहे। अच्छा, ठीक है। हाँ, और गंदी गंदी बातें कर रही है हमसे, और बोले मैं तो लेडीजों को भी मारता हूँ, ज्यादा बोलोगी तो तुम में ढोसा देके तुम्हारे नाकों में से खून निकाल दूंगा, ऐसे ऐसे बोल रहा हमको। हाँ, कहाँ कहाँ लेके गए थे आपको? ये पूरे देवास में ही घुमा रहे थे। ठीक है, कुछ महिलाओं को कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ के उनके साथ पूछताछ के मामले में आरोप है कि उनके साथ गलत तरीके से पूछताछ की जा रही थी, तो दर्शन करने आया था, क्या कुछ मामला है? एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें सिविल लाइन थाना में पदस्थ एक SI और हेड कांस्टेबल के विरुद्ध ऐसा कहा गया कि इन्होंने एक महिला और उनके साथियों को पकड़ा हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें कई अन्य लोग भी रहते जो एकत्रित हो गए थे और बाद में वो लोग वहाँ से रवाना हुए थे। इसमें CSP सर दिशेश अग्रवाल, इन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, जो कर्मचारी थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा बताया। तो ये मामला इस तरह से बताया जा रहा है कि एक युवक था जिसको कुछ पैसे देने के बदले में शादी कराने की बात बताई गई, क्योंकि लुटेरी दुल्हन टाइप के कई सारे प्रकरण अपने जिले में दर्ज हुए हैं, आसपास भी दर्ज हुए हैं। तो उस लड़के ने पुलिस स्टाफ से संपर्क किया और उसके पश्चात वो जो सामने वाली पार्टी थी जिसने शादी करने का ऑफर दिया था पैसा लेके, वो लोग यहाँ देवास में आए। तो उसके संबंध में जांच पड़ताल करना पुलिस स्टाफ बता रहा है। इस मामले की पूरी समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पुलिस अधिकारियों जो थे उन्होंने जांच की चीज या ऐसी शिकायत की चीज वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया था, जिसकी वजह से पूरा मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। इसमें एक जांच आदेशित की गई है जिसमें शहर के CSP दिशेश अग्रवाल जांच करेंगे। साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो 2 पुलिस कर्मचारी सिविल लाइन में पदस्थ थे उनको थाने से लाइन किया गया है। एक सैनिक का भी नाम आ रहा था, उसके संबंध में होमगार्ड कमांडेंट को भी नोट कराया गया। तो देखा गया कि जो दोनों तीनों युवतियां थी उनको निजी वाहन में लेके कब तकरीबन 3 घंटे अधिक के लिए घूमते रहे, ऐसा आरोप लगाया गया है। इसकी तस्दीक की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से उनका वायरल हो रहा है। पुलिस लाइन में जवान द्वारा महिलाओं के साथ में, जैसा मैंने बताया पूरा घटनाक्रम में दोनों पक्षों के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। इस संबंध में CSP साहब को जांच के लिए आदेशित किया गया है, जो भी तथ्य आएगा उस हिसाब से कार्रवाई। सर, नियमानुसार तो डिटेन महिला को डिटेन करने के लिए महिला अधिकारी को आने की आवश्यकता? हाँ, डिटेन करना अलग बात है, पूछताछ करना अलग बात है, क्या परिस्थितियां थी, कैसी थी, उसको बीच में ऐसे नहीं साइलो में नहीं देखा जा सकता। पूरा संपूर्ण जांच के पास जब घटनाक्रम मिनट टू मिनट क्लियर होगा कि कौन आया, कौन बुलाया, कौन कहाँ गया, अपनी मर्जी से गया, किसी को जबरदस्ती कोई ले गया, तो सब जांच पड़ताल के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अनुशासनहीनता तो है, इसमें जांच के लिए आदेशित किया गया है और कर्मचारियों को लाइन भी अटैच किया गया है। जांच में जो भी तथ्य है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।